वेलकम टू एवरी वन इन एकेडमिक रूम्स। टिस्को अप्रेंटिस 2021 का फर्स्ट सैम्पल पेपर है, जिसके अंदर बताया जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं। और ये टोटल 90 क्वेश्चन होता है और एक 5 लाइन पैराग्राफ। तो 5 लाइन पैराग्राफ इसमें हम ऐड नहीं कर रहे। ये टोटल जो टाइम होता है वो 1.5 घंटे का होता है, यानी कि 90 मिनट्स। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, 2a = 3b = 5c, फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ वीडियो पॉज कर लीजिए, पहले खुद बनाने की कोशिश कीजिए, फिर करेक्ट आंसर देखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है 15:10:6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज, टुगेदर दे विल टेक हाउ मच टाइम। यानी कि ये 12 दिनों में एक काम कर सकता है और बी 18 दिनों में। अगर दोनों साथ में काम करें तो कितने समय में काम पूरा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 36/5, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इफ 5 गुड कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 4 गुड सेलिंग प्राइस, फाइंड लॉस और प्रॉफिट। यानी कि कोई 5 सामान है, उसका जो लागत मूल्य है वो 4 सामानों के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो नुकसान और लाभ बताइए। तो देखिए इसमें जो होगा, आप पहले ही देख लीजिए कि 4 गुड कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 4 कॉस्ट सेलिंग प्राइस, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है 5 गुड का, वो 4 गुड का सेलिंग प्राइस है। यानी कि यहाँ सेलिंग प्राइस कम है तो यहाँ की प्रॉफिट होगा। यानी कि गुड वो 5 लेके आया, मान लीजिए कि एग्जांपल में कि 100 रुपया में वो 5 लेके आया, लेकिन वो 100 रुपया में ही 4 बेच दिया, तो यहाँ प्रॉफिट हुआ। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज में उसका कितना निकलेगा, तो 25% करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, x + 1/x = 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x^4 + 1/x^4। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता, एक ट्रिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन कैन रो अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 10 मिनट्स एंड डाउनस्ट्रीम इन 4 मिनट्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यानी कि एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 1 किलोमीटर दूरी 10 मिनट में तय करता तथा धारा की दिशा में 4 मिनट में, तो धारा की चाल क्या है। ए बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा वाला चैप्टर से। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 4.5। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ ए अलोंग एंड अगेंस्ट द करेंट इज 14 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। तो स्पीड ऑफ करेंट इज, यानी कि नौका की जो चाल धारा है के साथ, धारा के साथ और प्रतिकूल दिशा में, यानी कि धारा के साथ 14 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल दिशा में 8 किलोमीटर, तो धारा की चाल क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आप लोग केवल वीडियो देखिएगा नहीं, पहले क्वेश्चन लेके खुद बनाइएगा, फिर करेक्ट आंसर इसमें चेक कीजिएगा, यानी कि वीडियो पॉज कर दीजिएगा क्वेश्चन मिलने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग अ बास्केट फॉर ₹19.50 और शॉपकीपर गेन 30%, हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 40%। यानी कि एक टोकरी को 1950 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार 30% का लाभ प्राप्त करता, यदि उसको 40% का लाभ प्राप्त करना पड़े तो उसे वस्तु में कितना रुपये में बेचना। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ₹21। नेक्स्ट, ऑन सेलिंग ऑन आर्टिकल ऑफ ₹170 और शॉपकीपर लॉसेस 50%, इन ऑर्डर टू गेन 20% ही मस्ट सेल डेट आर्टिकल एट रुपीज। यानी कि एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 15% का हानि होता, अगर वो चाहता है कि हमको 20% का लाभ हो तो इसको कितना रुपये में बेचेगा। तो ये भी सेम प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है 240। नेक्स्ट, इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ कैंडिडेट फेल इन मैथमेटिक्स
एंड 20% इन इंग्लिश। इफ 10% फेल इन बोथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट पास इन बोथ द सब्जेक्ट। यानी कि एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में, 25 अंग्रेजी में और 10 अंग्रेजी और गणित दोनों में पास होते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण। यानी कि ये लोग अगर इतना परसेंटेज फेल होता, अनुत्तीर्ण होता, तो टोटल विषय में कितना परसेंट पास होता। तो ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 50%। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%, द ब्रेथ डिक्रीज बाय 10%, देन एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज। यानी कि एक आयात का लंबाई 10% उसमें वृद्धि कर देते हैं और चौड़ाई में 10% की कमी, तो उसका अब टोटल जो लेंथ होगा, टोटल जो एरिया होगा, वो पुराने वाले से कितना अधिक या कम होगा। तो यहाँ तो सारा ऑप्शन लेस में दिया हुआ है, यानी कि लेस ही होगा। ठीक है, अगर इस कंडीशन में आता तो लेस ही होता, अगर सेम इंक्रीज और सेम परसेंटेज ऑफ डिक्रीज किया जाए तो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1% लेस। नेक्स्ट, इफ 15% ऑफ एक्स इज सेम एज 20% ऑफ वाई देन एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स रेशियो वाई इज। यानी कि अगर एक्स का 15% जो है वाई के 20% के बराबर है, तो एक्स रेशियो वाई कितना होगा। तो ये आपका ए बी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, लेकिन ये परसेंटेज में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता। तो ये परसेंटेज से मान लीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी का 4:3, यानी कि 4:3। नेक्स्ट, अ सम ऑफ रुपीज 4000 इज लेंट फॉर 5 ईयर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट। यानी कि 5 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष 40,000 रुपये की राशि उधार दी गई, तो ब्याज कितना होगा। यानी तो ये आपका आ गया सम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3000 रुपीज। नेक्स्ट, अ सम ऑफ मनी बिकम 6 टाइम इन 20 ईयर ऑफ SI, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि साधारण ब्याज पर एक राशि 20 वर्षों में अपने 6 गुना हो जाती है, तो ब्याज दर कितना होगा। तो देखिए, तो ये भी आपका है सिंपल इंटरेस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 25%। नेक्स्ट, इफ अ चेयर सोल्ड फॉर ₹600 एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ चेयर इज। अगर कोई कुर्सी को 600 रुपये में बेचता तो 20% लाभ प्राप्त होता, तो कुर्सी का वास्तविक मूल्य यानी कि इसका CP क्या होगा। तो ए भी CP एंड SP क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 500। नेक्स्ट, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 9 cm² एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज 16 cm². इफ BC इज इक्वल टू 2.1 cm देन द लेंथ ऑफ EF विल बी। तो देखिए, इसमें बोला गया है कि दो समरूप त्रिभुज है ABC और DEF, तो ABC का क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर है और DEF का क्षेत्रफल 16 वर्ग। अगर ABC ट्रायंगल में BC 2.1 है, तो DEF में EF की लंबाई कितनी होगी। तो ये आपका सिमिलर ट्रायंगल यानी कि समरूप त्रिभुज वाला चैप्टर से, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2.8। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 6 cm, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल फ्रॉम द सेंटर इज 10 cm, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द आउटसाइड पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज। यानी कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 cm की है और वृत्त के बाहर एक बिंदु के केंद्र से दूरी 10 cm है, बाहरी बिंदु से वृत्त तथा खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 8 cm। ठीक है,
नेक्स्ट, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो देखिए, समकोण ट्रायंगल है एबीसी जिसका बी एंगल जो है वो 90 डिग्री है और ए बी 5 सेंटीमीटर और बी सी 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की परिवीक त्रिज्या क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी 6.5। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज इज 2/4 ऑफ 1/4 यानी कि 1/4 का कितना प्रतिशत 1/2 है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1452 एंड द फर्स्ट नंबर इज 1/3 ऑफ द सेकेंड नंबर, देन व्हाट विल बी द फर्स्ट नंबर? यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1452 है और पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है, तो पहली संख्या क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 22। नेक्स्ट, इफ ए इंटू बी इजक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बाई बी, देन द वैल्यू ऑफ 12 × 4 इज, ठीक है, यदि ए गुना बी का बराबर है ए प्लस बी प्लस ए बाई बी, तो 12 × 4 का मान क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 19। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स आर इन रेशियो 6:7 इफ द सेकेंड ट्रेन रन 364 किलोमीटर इज 4 आवर, देन द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज, यदि दो ट्रेन की गति 6/7 के अनुपात में है, यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 364 किलोमीटर दौड़ती है, तो पहली ट्रेन की गति क्या है? तो ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 78 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, द प्रेजेंट ऑफ द रेशियो ऑफ एज ऑफ माया एंड छाया इज 6/5 एंड 15 ईयर फ्रॉम नाउ द रेशियो विल गेट चेंज 9:8। माया's प्रेजेंट एज इज, माया और छाया की आयु का वर्तमान अनुपात 6/5 है और 15 वर्ष बाद 9/8 में परिवर्तन हो जाएगा, तो माया का वर्तमान आयु क्या है? ये एज वाला क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 30 ईयर। नेक्स्ट, द सम ऑफ रुपीज 8000 विल अमाउंट टू रुपीज 8820 इन 2 ईयर, द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज, अगर 8000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 8820 रुपये में हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है? तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 5%। नेक्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ स्पेयर इज डबल इट्स वॉल्यूम बिकम्स, तो ये आपका एरिया वाला क्वेश्चन है, तो इसमें बोला गया है किसी गोले की त्रिज्या दुगनी हो जाती है, तो इसका आयतन कितना बढ़ जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 8 गुना। नेक्स्ट, इफ ओ बी द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एंगल बी ओ सी इज 20 डिग्री, द एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, यदि ओ त्रिभुज ए बी सी के अंतर केंद्र है और कोण ए बी सी 120 है, तो कोण बी ए सी कितना होगा? तो ये आपका कंस्ट्रक्शन से आ गया क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 60। मैथ का क्वेश्चन 25 ही होता और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता मैथ एग्ज़ाम के लिए, तो मैथ का क्लासेस सेपरेटली हम लाएंगे, लेकिन अभी अप्रॉक्स 650 सब्सक्राइबर है, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा उसके बाद ही हम लाएंगे। आप लोग चाहे तो एक दिन में ही कर सकते हैं, शेयर कीजिए दोस्तों में। अब चलिए साइंस का क्वेश्चन देखते हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, फूल के अध्ययन को क्या कहा जाता? तो फूल के अध्ययन को एंटीलॉजी कहा जाता।
नेक्स्ट द साइंस रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ लिविंग, जीवित अध्ययन के अध्ययन को किस संबंधित विज्ञान से है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बायोलॉजी। नेक्स्ट विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन, नींबू में कौन सा एसिड मौजूद होता, तो इसका करेक्ट आंसर है कैट्रिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट अमंग द फॉलोइंग यूज इन प्रोडक्ट ऑफ आर्टिफिशियल रेन, यानी कृत्रिम बारिश के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट पीएच ऑफ ब्लड इज, ब्लड का पीएच कितना होता, तो पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4 होता। नेक्स्ट पीएच ऑफ वाटर इज, तो वाटर अगर पूछे तो हमेशा आप सोच लीजिएगा न्यूट्रल वाटर है, तो न्यूट्रल इतना 7। नेक्स्ट विनेगर इज कमर्शियल नेम ऑफ, सिरका का नाम क्या है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट द भोपाल गैस ट्रेजिडी वॉज कॉज्ड बाय द गैस, यानी कि भोपाल गैस त्रासदी गैस किस के किस कारण हुई थी, तो वो जो गैस लीक हुआ था उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क, यानी कि दूध के जांच के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो दूध के जांच के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, इनमें से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सेरिब्रम। नेक्स्ट चेहरे में कितनी हड्डियां मौजूद होती है, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन फेस, तो चेहरे में टोटल 14 हड्डियां मौजूद होती है। नेक्स्ट विच इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि के रूप में किसे जाना जाता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बिल्ट अप ऑफ, प्लाज्मा झिल्ली किसके द्वारा निर्माण होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली इन सभी के कारण निर्माण होती है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड। वेट ऑफ आवर बॉडी इज मोस्टली मेड अप ऑफ, हमारा शरीर का वजन अधिकतम किससे बना होता, तो हमारा शरीर का वजन अधिकतम पानी से बना होता। नेक्स्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है, तो वो है आपका कैल्शियम। नेक्स्ट अ हेल्दी ह्यूमन बींग एग्जस्टेड द फॉलोइंग लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर, यानी एक स्वस्थ मनुष्य 24 घंटे में कितने लीटर मूत्र विसर्जन करता है, तो एक स्वस्थ आदमी 24 घंटे में अप्रॉक्स 1.5 लीटर यूरिन रिलीज करता है। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा हमारे शरीर का सबसे मजबूती हिस्सा है, तो जो इनेमल है वो सबसे ज़्यादा मजबूती हिस्सा है। ठीक है, इनेमल ये जो टूथ का हम लोग का सेट है उसमें ही इनेमल होता है। नेक्स्ट व्हेन वी ईट कॉलीफ्लावर वी कंज्यूम, जब हम फूलगोभी खाते हैं तो हम क्या उपभोग करते, तो हम लोग इनफ्लोरोसेंस का उपभोग करते। नेक्स्ट पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ, पल्सेस जो है वो किसका अच्छा सोर्स है, तो पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट विच हाइड्रोकार्बन इज नॉट प्रेजेंट इन एलपीजी, एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद नहीं है, तो इनमें से प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन ये सारा तो मौजूद है, डेकेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट द नेम ऑफ इक्विपमेंट यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग किस इक्विपमेंट का यूज करते हैं, तो साहब मैनोमीटर का यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सा है जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम जो है वो हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट
पावर ऑफ सनग्लास यानी कि जो धूप चश्मा जो नॉर्मल चश्मा हम लोग पहनते हैं उसका क्या पावर होता है? तो उसका कुछ पावर नहीं होता, 0 डायोप्टर। नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर फ्यूल अवेलेबल इन इंडिया इज एवेडेंस इज यानी कि भारत में बहुयात में उपलब्ध महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा कौन सी है? तो वह है थोरियम। नेक्स्ट, द कलर ऑफ स्टार इज एन इंडिकेट ऑफ इट्स यानी कि जो तारों का रंग होता है वो क्या संकेत करता है? तो वो टेम्परेचर संकेत करता है कि कौन कितना गर्म है। नेक्स्ट, ऑफ हाउ मैनी कैरेट इज द प्योर ऑफ गोल्ड यानी कि शुद्ध सोने में कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता। नेक्स्ट, ब्रास इज कम्बिनेशन ऑफ वाट मेटल, ब्रास किसका कम्बिनेशन है? तो ब्रास कॉपर और जिंक का कम्बिनेशन है। नेक्स्ट, टीयर गैस क्या है? तो टीयर गैस एमोनिया को ही बोला जाता है। नेक्स्ट, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडीज, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो लॉन्गेस्ट बोन जो है वो फीमर है। नेक्स्ट, COD इज वेराइटी ऑफ कॉड किसका किस्म है? तो कॉड जो है एक मछली की प्रजाति है। नेक्स्ट, द ग्रीन कलर ऑफ लीव इज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ, पत्तियों का हरा रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण होता। नेक्स्ट, गाइट्रो इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ घोंगा किस कमी के कारण होता है? घोंगा रोग। तो घोंगा जो होता वो आयोडीन के कमी के कारण होता। नेक्स्ट, ताजमहल इज ग्रेटली अफेक्टेड ड्यू टू, ताजमहल किस कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित है? तो ताजमहल जो है वो AC ड्रेन के कारण ज़्यादा प्रभावित है, जिसके कारण उसका वाइट मार्बल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ LPG, LPG का मेजर कॉन्स्टिट्यूंट कौन सा है? तो ऑप्शन डी इथेन जो ओ सॉरी इथेन तो नहीं है, मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल इज, कौन से सोलर कोशिकाओं को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन जो है उसका यूज किया जाता है सोलर सेल को बनाने में। पोल्यूटेंट फ्रॉम मोटर कार एग्जॉस्ट डेट काउज मेटल डिजीज, मोटर कार से निकासित प्रदूषक जो मानसिक बीमारी का कारण भी बन सकती है वो कौन सी है? तो है आपका ऑप्शन बी लीड। नेक्स्ट, हाउ डू मोस्ट इंसेक्ट स्पाय, अधिकांश कीड़े कैसे श्वास करते हैं? तो अधिकांश कीड़े जो होते हैं वो बाय ट्रेचल सिस्टम के द्वारा सांस लेते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ कैल्शियम, इनमें से कौन सा कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन सी जो राइस है वो कैल्शियम का अच्छा सोर्स नहीं है। नेक्स्ट, सोडियम पंप्स ऑपरेट्स इन, सोडियम पंप में क्या काम करता? तो सोडियम पंप्स ऑपरेट्स इन नर्व इम्पल्सेस। तो साइंस का क्वेश्चन यहाँ खत्म, अब इंग्लिश और GK देखते हैं। तो अब इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, तो इंग्लिश का टोटल 10 क्वेश्चन होता। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, इवन इन टूडेज मॉडर्न सोसाइटी पीपुल डैश गॉड टू ब्रेन रेंज, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इवॉक। नेक्स्ट, यू डिड नॉट डू योर होमवर्क डैश, तो यू डिड नॉट डू योर होमवर्क डैश, तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डिड यू। नेक्स्ट, ओनली वन ऑफ इट्स काइंड यानी केवल एक ही इसके जैसा, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए यूनिक। डेविएशन फ्रॉम कॉमन रूल्स और स्टैंडर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन
डी एनिमली. नेक्स्ट एडम फ्रेज ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, यानी कि अब एडम फ्रेज आ गया तो एडम फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो ब्लो ऑन ऑन ट्रम्पेट, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पेरिश्ड वन सेल्फ. नेक्स्ट गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विथ एब्सोल्यूट पावर, यानी कि एक ऐसा गवर्नमेंट पर्सन जिसके पास सब पावर हो, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑटोक्रेसी. नेक्स्ट गिव सैनोनेम्स ऑफ गिवन वर्ड, तो सैनोनेम्स भी आता है, तो एवराइस का सैनोनेम्स क्या होगा, तो एवराइस का सैनोनेम्स होगा ग्रीड. नेक्स्ट गिव सैनोनेम्स ऑफ गिवन वर्ड स्टड बॉन्ड, तो स्टड बॉन्ड का सैनोनेम्स होगा आपका ऑप्शन सी एडोमेंट. नेक्स्ट एरर डिटेक्ट, एरर डिटेक्ट से भी क्वेश्चन आता है, जैसे आई गो टू स्कूल बाय वॉक, तो इनमें से कौन सा एरर है, तो ऑप्शन सी जो है, सॉरी हाँ ऑप्शन सी जो है बाय वॉक, वो इसमें एरर है. एरर डिटेक्ट मेनी ऑफ मेंस हैव रियलाइज्ड दैट रियल हैप्पीनेस लाई इन मार्केटिंग सेक्रीफाइस, तो इनमें से कौन सा एरर है, तो इसमें एरर जो है ऑप्शन बी हैव रियलाइज्ड. ठीक है नेक्स्ट अब देखिए, अब आ गया क्वेश्चन जीके से रिलेटेड, तो 15 क्वेश्चन जीके से होता, तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओजोन लेयर प्रिजर्वेशन, यानी कि ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है. हु इज द सो ब्राइटेस्ट ऑफ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड मैन ऑफ ओल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता. विच टीम ऑन द आईपीएल 2019 फाइनल, किस टीम ने आईपीएल 2019 का फाइनल जीता था, तो ऑप्शन सी यानी मुंबई इंडियंस जो है वो जीते थे फाइनल 2019 का. विच कंट्री हैज होस्टेड द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2018, यानी कि मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2018 किस देश में मेजबानी किया था, किस देश ने होस्ट किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंडिया ने होस्ट किया था. नेक्स्ट हु हैज रिटन द फेमस बुक इग्नाइटेड माइंड्स, यानी कि प्रसिद्ध बुक जो है इग्नाइटेड माइंड्स किसने लिखी थी, तो यह इग्नाइटेड माइंड्स जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी थी. नेक्स्ट हु इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे. नेक्स्ट विच रिवर इज नोन एज क्रॉस ऑफ बिहार, किस नदी को बिहार के अभिशाप के रूप में जाना जाता, तो जो आपका कोसी नदी है उसे अभिशाप के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आती रहती है. नेक्स्ट द सिटी ऑफ बार्सिलोना बिलोंग्स टू विच कॉन्टिनेंट, तो बार्सिलोना शहर किस महाद्वीप में स्थित है, तो बार्सिलोना शहर यूरोप महाद्वीप में स्थित है. नेक्स्ट विच ऑफ दिस इज बिगेस्ट ओशियन, इनमें से सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, तो सबसे बड़ा ओशियन जो है पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर है. नेक्स्ट हु इन इंडिया द ऑथराइज टू इशू न्यू 20 रुपीज नोट, भारत में 20 रुपये के नए नोट जारी करने का अधिकार किसे है, तो रिजर्व बैंक को ही हर एक नोट जारी करने का अधिकार है. नेक्स्ट विच वन ऑफ दिस इज ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, तो आरावाली की पहाड़ियाँ जो है वो हमारी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है. नेक्स्ट विच वन ऑफ दिस इज लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, हमारे देश के सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, तो NH-44 जो है वो देश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ रेड प्लैनेट, तो रेड प्लैनेट हम लोग किसको बोलते हैं, तो मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट
एट विच प्लेस द G20 समिट विल बी हेल्ड। G20 शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो G20 जो था वो जापान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, हु वाज द पेप्सिको चीफ? तो पेप्सिको के चीफ कौन से? तो इंदिरा नायायो जी है, वो पेप्सिको के चीफ है। तो टोटल 90 क्वेश्चन होता। तो आज का फर्स्ट सैम्पल पेपर यहीं ख़त्म होता। आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।